आम लोगों के जज्बात को समझने का प्रयास करें। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार में खो चुकी है और इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही है। और पुलिस सरकार के नियंत्रण में नहीं है, सभी अपने मनमारे ढंग से बिहार के अधिकारी इस राज्य को चला रहे हैं, तो इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर होनी ही है, लेकिन हम इसकी निंदा करते हैं और इसकी जांच की मांग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के बक्सर में आधी रात किसानों को पीटे जाने पर पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक उन्हें पीटे जाने पर अब बिहार में राजनीति गर्मा गई है। आपको बताया, जहां एक तरफ विजय सिन्हा जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका कहना है कि बिहार में लाठी वाली सरकार आ गई है। बिहार में पुलिस चोरों गुंडों को तो नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन जो अपनी हक की मांग करते हैं उनके ऊपर बिहार पुलिस जो है लाठी बरसाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार सरकार को घेरते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा है कि इन लोगों से तो अपनी पार्टी, अपनी महागठबंधन सरकार नहीं संभाली जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये लोग जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपनी हक की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज करने लगते हैं। पहले अभ्यर्थी, यानी आपको बताया कि बिहार के जितने भी छात्र हैं वो नौकरी मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। अब जब बिहार में सरकार अपनी हक की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी लाठी चार्ज करने लगते हैं। दरअसल बीते दिनों यानी मंगलवार को रात करीब 12 बजे बिहार के बक्सर में किसानों के घर अचानक पुलिस आ धमकती है और महिलाओं समेत बच्चों को पीटने लगती है। ये मामला सामने आते ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है। तारकिशोर प्रसाद पटना सिटी पहुंचे और वहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमलावर हो रहे हैं। सिर्फ आपको बताया, बक्सर की ही हुई इस घटना पर ही उन्होंने नहीं बोला है, बल्कि साथ ही साथ महागठबंधन में हो आ रही फूट पर, राजद और जदयू के बीच आ रही फूट पर भी तारकिशोर प्रसाद ने बोला है, बड़े ही कम दिनों में नीतीश कुमार ने फिर से राजद को धोखा दे दिया है, महागठबंधन में जदयू और आरजेडी सामने आ गई है। क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, किस प्रकार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं, किस प्रकार वो बक्सर में हुई घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनकी पूरी बातों के साथ। किसानों की समस्या को व्यापक स्वरूप में रखने का काम किया और अपने कार्यकाल में उन्होंने एक विशिष्ट अपनी पहचान बनाई, उन्हें आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम जिस वैचारिक धारा से आते हैं, वहाँ कार्यकर्ता भाव में हम सब रहते हैं और यही पार्टी है जो कार्यकर्ता को किसी भी बड़े स्थान पर भी सेवा के लिए अवसर देती है। तो हम सब गौरवान्वित हैं कि हम जिस दल से आते हैं उसी दल से स्वतंत्र कुशवाहा भी विधान पार्षद के रूप में उन्होंने एक बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है, दल के दायित्व के रूप में भी एक बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है। उसे आज स्मरण करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब भी उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। सर, बक्सर के चौसा में किसानों पर बीती रात में बिहार पुलिस बर्बरतापूर्ण घर में घुस करके मारपीट की है। नहीं, देखिए, आप तो जान ही रहे हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार आई है और बिहार के आम लोगों के प्रति इसकी कोई संवेदनशीलता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत अल्प समय में ही ये लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कैसे बिहार बेहतर हो, किसी भी सरकार की जो एक प्राथमिक दायित्व होता है कि हम कानून व्यवस्था को बेहतर करें, आम लोगों के जज्बात को समझने का प्रयास करें, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार में खो चुकी है और इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही है। और पुलिस सरकार के नियंत्रण में नहीं है, सभी अपने मनमारे ढंग से बिहार के अधिकारी इस राज्य को चला रहे हैं, तो इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर होनी ही है, लेकिन हम इसकी निंदा करते हैं और इसकी जांच की मांग करते हैं। पटना की बात करें तो पटना में छात्रों को भी पुलिस पीट रही है। हाँ, देखें ही आप तो देखें ही होंगे कि
कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा को लेकर जब छात्र सड़क पर निकले और फिर बीपीएससी के अभ्यर्थी भी जब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर निकले तो किस बर्बरतापूर्ण उनकी पिटाई की गई, क्योंकि सरकार इस तरह लाठी चार्ज करके जो उसके काले कारनामे हैं उसको वो छिपाने का प्रयास करती है, क्योंकि बीपीएससी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हुई है जिससे अभ्यर्थी, क्योंकि बिहार की प्रतिभा को सम्मान नहीं मिल रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं जो इस तरह के आयोग हैं वो निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है, जो प्रतिभा के अनुसार छात्रों का जो अभ्यर्थी हैं नौजवानों का बेहतर पद के लिए चयन कर सकें, इसलिए बिहार के जो नौजवान हैं वो इस सरकार से हताश हैं। तो स्वाभाविक है कि इस तरह की घटनाएं कहीं कहीं बिहार के लोगों को उद्वेलित किया है। जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही अल्प समय में महागठबंधन में तकरार पैदा हो गई है, तो क्या नया साल है और नए साल में कुछ समीकरण बदलने वाले देखे जा सकते हैं? नहीं, देखिए अब तो हम सब 2024 और 2025 में भारतीय जनता पार्टी और NDA हम सब बहुमत लाकर और सरकार बनाएंगे। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी अब कोई नया समीकरण बनाने नहीं जा रही है, सिर्फ हम देखना चाह रहे हैं कि यह सरकार बिहार को किस स्थिति में लाकर छोड़ती है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में है और ये दोनों अपने अपने पदों को नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए दोनों एक दूसरे के चक्कर में हैं।